सत श्री अकाल MH1 न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਦਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਪੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ कि विरोधी करके या जड़ी अपनी पार्टी की मुखालफत उन्होंने की है उस करके वो तारीफा हो रही ने या फिर वजह कुछ और है ऐसे दी अस गल करांगे लेकिन उस तो पहला एक रिपोर्ट सियासत का एक दस्तूर हुंदा है दुश्मन का दुश्मन अपना सब तो वड्डा दोस्त बन जाता है अते आजकल अजिहा ही कुछ हो रहा है पंजाब आप दे साबका कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर के नाल सुच्चा सिंह छोटेपुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी से कई बार किए इस तो बाद शाम तक आते आते पार्टी ने सुच्चा सिंह छोटेपुर से कार्रवाई कर दी उन्होंने पंजाब कन्वीनर के अहदे तो हटा दिता गया जांच लई एक कमेटी भी बना दी जिस तो बाद एक बार फिर उन्हों का दर्द सामने आया मेरे को बहुत इस चीज़ की हैरानी है कि कल PAC में ये फैसला लिया गया कि छोटेपुर को कन्वीनर से निकाला गया कन्वीनर तो निकाल देंगे तो मेरे को कोई इसका गिला नहीं है मगर पारदर्शी सिस्टम बनाना चाहिए था कि अगर इंक्वायरी करानी है तो कंवर संधु को लो गांधी जी को लो खालसा जी को लो अपने MP हैं तीन लोग हमारी इंक्वायरी करें मैं अगर दोषी पाया जाऊं तो कला पार्टी से ना निकालें सारे पंजाब में प्रचार करके मेरे को अच्छी तरह बदनाम करें जिन लोगों ने मेरे को जानते थे और मेरे करदार बारे जानते थे उन लोगों सभी को मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सभी के साथ जाना जा रहा हूं या मेरी उसके साथ कोई बात है अभी तक किसी से मेरी कोई बात नहीं है मैं अपने वॉलंटियर वीरों से जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े हुए हैं मेरी पार्टी के आधे लोग जो जोन इंचार्ज हैं मेरे साथ खड़े हैं सभी को कॉन्फिडेंस में लेके जो भी बात करूंगा लोगों से पूछ के करूंगा सुच्चा सिंह छोटेपुर से हुई कार्रवाई तो बाद पता नहीं की होया कि सारी विरोधी धिरां नूं छोटेपुर सुच्चे लगन लग पए उही सुच्चा सिंह छोटेपुर जो आप भी विरोधी धिरां ते पहला हमले करदे विखाई दिंदे सी अते विरोधी धिर भी वार करदा सी पर अज विरोधी धिर नूं पता नहीं क्यों छोटेपुर ईमानदार अते सुच्चे नजर आ रहे ने आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया आम आदमी असीं पहले ही कहा सी कि टिकटां वेचते हैं करोड़ों रुपये इकट्ठे करते हैं उन्होंने कन्वीनर ने भी कहता कि यह टिकटां वेचते हैं यह तो वध सबूत की हो सकता है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जिन्हें टिकटां दित्तियां या उन्होंने हेड देने वाले वो आप इल्जाम लाउन तो मैं कहना चाहना एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी तबाही करती है दिल्ली तबाही कराई झूठ बोल के ड्रामा करके उन्होंने दिल्ली सरकार बनाई लोगों को गुमराह किया हुण उन्हां दी असलियत आ गई है दिल्ली च भी जो हुण इलैक्शन होए कारपोरेशन दे उत्थे आम आदमी पार्टी सफाया हो गया इत्थे ही पंजाब च पार्लीमेंट दे दौरान उन्होंने गुमराह किया जिहदे करके चार सीटां लै गए पर उहदे बाद जो तलवंडी साबो दा बाई इलैक्शन आया आम आदमी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए जिथे उन्हां दी पूरी इस्त्री विंग आप दी प्रधान लड़ी उहदे जमानत जब्त उत्थे होई सुच्चे दा मतलब पवित्र हुंदा है और इस करके सुच्चा सिंह जिहड़ा पवित्र सिंह सी पहले पवित्र सिंह चले गए हुण सुच्चा सिंह जिहड़ा पवित्र सी वह भी गया भाव इहदा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के जिहड़े दलदल दे विच जाएगा वो अपवित्र होकर ही बाहर निकलेगा ये तुसीं उन्हां नूं समझता और बाकियों भी मैं कहांगा कि इस गंदगी चो बाहर होकर अपने आप नूं अपवित्र ना करो और पवित्र जिहड़े पंजाब और पंजाबी उसनूं समझ दिवे सही दिशा वालों सानू फैसला लेना चाहिए ये थोड़ा फाउंडिंग मेंबर है ये तो एक है योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण जेड़े बंदे इन्होंने इन्हों की जथेबंदी बनाया सारे बाहर कटे दो MP थोड़े गांधी पटियाले वाले और खालसा जी मैं तो जेड़े आना चाहते ने घर वापसी कह लो जो मर्जी कह लो सारे कहता सारे की पिछोकड़ कांग्रेस के नाल है जिन्हें आना है आने वाले
शायद इस ही सियासत कहते हैं कि अपनी पार्टी में निशाने से लैन वाले आगू की तारीफ विरोधी कर ही देंगे ने सुच्चा सिंह छोटेपुर के नाल भी अजिहा ही हो रहा है। जाए कहिए कि सुच्चा सिंह से सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने जो कुछ किया वो तुम सुन लिया, उस तो बाद सियासी प्रतिक्रम या यह कहिए कि जड़ियां तारीफा सुच्चा सिंह छोटेपुर के लिए हुण हो रही सी वो भी तुम सुन लिया। श्रोमणी अकाली दल की कह रहे हैं, भाजपा की कह रही है, कांग्रेस की कह रही है, तो होर जड़े लोग ने जड़े कि अनसैटिस्फाइड ने अपनी पार्टियां तो वो की कुछ कह रहे हैं। लेकिन वड्डा सवाल यही कि हुण पंजाब च सुच्चा सिंह लैके सियासत हो रही है, इससे तो आप चर्चा करांगे। खास मेहमान स्टूडियो साडे नाल मौजूद ने परविंदर शारदा जी, सीनियर पत्रकार इस वेले स्टूडियो साडे नाल जुड़े ने। इस तो अलावा कांग्रेस पार्टी तो भी साडे नाल मेहमान जुड़नगे, भारतीय जनता पार्टी तो, आम आदमी पार्टी तो भी पैनलिस्ट इस चर्चा के भी साडे नाल जुड़नगे। लेकिन सब तो पहला परविंदर शारदा जी, तुम्हें रिपोर्ट वेखी, सारे बयान वेखे, कल तो लैके आ सकता सारा घटनाक्रम, सुच्चा सिंह छोटेपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद जी कार्रवाई उन्होंने हुई, और हुण जिहड़े सियासी बयान विरोधियों वालों तो आए आने शुरू हुए ने। मैं एक सवाल सीधा कि तुम्हें भी लगता है कि सियासत वाकई सुच्चा सिंह छोटेपुर से हो रही है? जिथे तक सियासत की गल है, सियासत दे विच सियासत ते चल ही चलनी है, क्योंकि हुण पंजाब चोणां दे विच खड़ा है, तो यह गल बड़ी स्वाभाविक है कि सियासत शुरू हो गई है। लेकिन तुसी उस आदमी नू टारगेट कर रहे हो, आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि सब तो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त बन रही है सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल। मेरा सवाल सिर्फ इको है कि जिस आदमी दे उत्ते दो दो ढाई ढाई करोड़ रुपए, एक एक करोड़, डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ रुपए टिकटां बेचण दे आरोप लगे ने, उन्हां दे खिलाफ कोई इनकुआरी नहीं, और एक सुच्चा सिंह वर्गा वह बंदा जिदे बारे तुसी एक रेडियो टॉक्स दे बेस दे उत्ते वह भी अमरीका दे विच, क्या तुसी उन्हों स्टिंग कहने हो? अगर स्टिंग दे विच दो आदमी एक दूजे नाल गल, विंदर शारदा जी पार्टी कह रही है कि वो सबूत हैगा, बाकियां ले ली तुसी सबूत लियाओ, असीं वो भी कार्रवाई कर दांगे। मैं तुहाडी गल तो सहमत हाँ, तो पार्टी उस स्टिंग नू फिर ये चीज़ नू भी मान ले जेड़े आम आदमी पार्टी के खिलाफ बाकी लोगों ने उहदे खिलाफ टेप रिकॉर्डर की आवाज़ लाइव वीडियो दिते ने, ते तुसी उस नू भी एक्सैप्ट करो, चाहे तुहाडे MLA सीगे, चाहे तुहाडे होर बड़े पदाधिकारी ने जिन्हां पदाधिकारियों के खिलाफ एलीगेशन लग रहे ने, उन्हां दे खिलाफ भी आवाज़ा दित्तियां गई हैं, रिटन चिट्ठियां गई हैं, एफिडेविट गए ने, उन्हां दे खिलाफ तुसी क्या एक्शन लिता? मैं उही तुहाडे तों पुछना चाह रहा, उही विरोधी ने जिहड़े कि कुछ दिन पहला कहिंदे सी कि सुच्चा सिंह छोटेपुर दा गुरदासपुर तो बाहर कोई ज्यादा वर्चस्व भी नहीं हैगा, और अज उही इन्नी तारीफ कर रहे ने। गल है जी कि सुच्चा सिंह एक जमीनी आदमी है, बजाए इस गल तो कि राजनीतिज्ञां दे एक गल बड़ी पक्की है कि वह पार्टियां बदलते रहते ने, ये तुसी किसी नू भी देख सकते हो। अगर तुसी इस वक्त पंजाब दे कांग्रेस की भी गल करो, किसी वक्त जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सीगा तो कैप्टन अमरिंदर भी एक वक्त नाराज हो गए सीगे, पार्टी दोनों ने इकट्ठे इस्तीफा दिता सी, तो दोनों एक ही उस च सीगे, बरनाला कैबिनेट के बीच भी इकट्ठे सीगे, गल वक्री है, हर कोई जानता है। मेरी सब तो बड़ी गल यह है कि या तो तुसी इस्टैबलिश करो कि यह स्टिंग है, अगर तुसी उस बेस से एक्शन लिता है, मैं समझदा कि यह एक्शन कोई नहीं है, ये सिर्फ तुसी जिहड़ी इनकुआरी कमेटी भी एक बिठाई है, जांच मैंबर सुच्चा सिंह जी की गल नूं सुनो, जिन्होंने गल साफ कही है कि तुसी दो मैंबर की बजाय तीन मैंबर कमेटी बनाओ, अगर मैं गलत निकलदा तो मेरे खिलाफ तुसी एक्शन लो, मैनू बदनाम भी करो। उस आदमी का कंडक्ट ठीक है, कांग्रेस की उन्हें गल की, कैप्टन साहब की तुम्हें गल की, इस वे आदिल सिंह बोपराय जी कांग्रेस पार्टी वालों साडे नाल जुड़े हैं। आदिल जी मैं तुहाडे कोल आना चाहांगा, और सवाल मेरा सीधा तुहाडे तों ही है कि हुण तारीफ कांग्रेस पार्टी के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कर रहे हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर की, हालांकि तुहाडे पुराने साथी रहे ने सुच्चा सिंह छोटेपुर, 2002 तुहानूं समर्थन दिता जदों आजाद उम्मीदवार के तौर पर चोण जित के आए थे, 2009 प्रताप सिंह बाजवा चोणां जिताउण दे विच एक वड्डा योगदान उन्हां दा रहा। मेरा सवाल सीधा है कि कुछ दिन पहले खुद कैप्टन साहब कहते हैं कि सुच्चा सिंह छोटेपुर का गुरदासपुर तो ज्यादा वर्चस्व नहीं है, आज वही तारीफ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? देखो नवनीत जी, ये तो पहला मैं एक होर थानू थोड़े दर्शकों दसना चाहूँ, ये आप दी सिचुएशन पंजाब की हो रहा है, एहो जी पार्टी है, ड्रामेबाजिया की पार्टी है, जो अज अपने वजन थले आप ही टुट रही है। हुणे पिछे जे बयान आया सी कि इन्हां दा एक वॉलंटियर तो 2.5 करोड़ रुपया लिता टिकट लई मंगया गया सी, हुण पिछे जे होर इन्हां दे संसद के खिलाफ एक इनकुआयरी चल रही है कि वह शराब पी के आंदा है, तो उन्हें नैशनल सिक्योरिटी साडे पार्लीमेंट की थ्रैटन की है। हुण इस समय 10 साल जो बादल सरकार ने पंजाब नूं तबाह किया है, लोगों के अगे ये सवाल है
कि केड़ी पार्टी एक जिम्मेवार सरकार का योगदान कर सकती है। तो हुण आप ये आप दे सारा जो ये चल रहा है फैसको ये तो बाद आई थिंक पंजाब दे वोटरां नू कोई डाउट नहीं रहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो पंजाब नू तरक्की दे राह ते लेके जा सकती। बुबरा साहब मैं तुहाडी गल जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो मेरा सवाल है कि ठीक है तुसी कह रहे हो कि जी तुसी लेके जा सकते हो तरक्की दे राह ते तुहाडे सारियां गल्लां हैगियां। मेरा सवाल सीधा है हुण इन्ने पसंद क्यों आ रहे हैं सुच्चा सिंह छोटेपुर जो तरीफां कीतियां जा रही ने हालांकि हुण भी आम आदमी पार्टी च ही हैगे ना सिर्फ कन्वीनर अहुदे तो ही तो हटाए गए हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशासनात्मक कमेटी के कोल भेज दी गई है जांच। नहीं नहीं ये सिमटम नहीं तुसी ना प्रॉब्लम समझो प्रॉब्लम ये तो बहुत वड्डी है। आम आदमी पार्टी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली ते हरियाणे के लीडर पंजाब ते इंस्टॉल करना चाहती है। ये हाँ। बहुत जरूरी है पंजाब के लोग कदे एक्सैप्ट नहीं करेंगे कि दिल्ली हरियाणे ते यूपी के बंदे पंजाब नू राज करन ते अरविंद केजरीवाल हो रही सारे पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है खत्म करना चाहती है। मैनीफेस्टो राव होया सी छोटेपुर साहब ने कहा है कि देखो जी ये एंटी सिख है बंदा ये सारा तुसी पूरा कॉन्टेक्ट समझो तो वो तो देखो कि आम आदमी पार्टी का एंटी पंजाब है ये कोई दो राय नहीं रही। अच्छा एक एंटी पंजाब पार्टी है। फिर तो परविंदर शर्दा जी जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गल उन्होंने कही कि मैनीफेस्टो से जो विवाद होया उसको कहा गया कि तुम अपने सिर से ले लो। मेरा सवाल यही कि जे उस वे गल हुई थी सुच्चा सिंह छोटेपुर ने यह गल क्यों नहीं कहेगी हूँ जो पार्टी सारिया नाराजगियां सामने आई यह गल क्यों कह रहे हैं। गल है जी गल एक मौके की है कि वह अपने सिर क्यों लैन किसी इल्जाम मैनीफेस्टो के भी जो तुम चीज़ा डिसाइड की उस वक्त मैनीफेस्टो डिसाइड नहीं किया जिस वक्त सुच्चा सिंह जी तुहानू पार्लियामेंट्री चोणों के 1.5 करोड़ रुपया तो ज़्यादा इकट्ठा करके दे रहे हैं तद वो ईमानदार ने आम आदमी पार्टी फंड से दे रहे हैं अचानक 2 लाख रुपए की एक गल होंगी है और वो दूसरे कितने विदेश के एक रेडियो स्टेशन के उत्ते टाक होंगी है उसनों तुम स्टिंग मानते हो और यह गल कह देंगे अजो ईमानदारी नहीं है। वो आदमी तो ओपन कह रहा है कि गिव मी अ चांस कि तुम 3 मैंबर कमेटी बनाओ पैसा लिया रहे आदमी तद तक तो ठीक है और दूसरा अगर तुहाडी पार्टी दे विच ट्रांसपेरेंसी है अगर तुम ये समझते हो कि साढ़े अंदर भी एक लोकतंत्र है देखो पार्टी दे विच एक लोकतंत्र होना चाहिए अगर तुम क्लेम कर दो कि साढ़े विच लोकतंत्र है तो तुम इस चीज़ को एस्टैबलिश करन दा बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है बिल्कुल जी गल तुम इतने कह रहे हो भी मैं चर्चा करा एक ब्रेक लिए इतने रुकांगा ब्रेक तो बाद वापस आवेंगे फिर होर खास मेहमान साढ़े नाल इस पैनल में जुड़न चर्चा आई कि वाकई सुच्चा सिंह से सियासत हो रही है या वजह कुछ हो रही एक ब्रेक छेती हाजिर होने।